हे गाइस, वेलकम बैक टू दी वैगन टेल्स। आज हम करने वाले हैं रिव्यू दी ऑल न्यू टाटा पंच काजीरंगा एडिशन का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो ये काजीरंगा एडिशन है ना, ये सिर्फ क्रिएटिव वेरिएंट में ही आपको देखने को मिलता है। क्रिएटिव एक तो नॉर्मल वाला और एक क्रिएटिव IRA वाला, और ये मैनुअल में भी आता है और ऑटोमेटिक में भी आता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फ्रंट से स्टार्ट कर लेना, तो है तो वो क्रिएटिव वेरिएंट ही, अलग क्या है तो वो भी अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लें तो आपको LED DRL यहाँ पे वाइट कलर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं जो कि हैलोजन है, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। लो बीम पे ये वर्क करेगा, हाई बीम पे ये वर्क करेगा। नीचे आपको यहाँ पे नॉर्मल हैलोजन फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे। गाड़ी की टोइंग हुक जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रंट से आप लोग ग्रिल चेक कर लीजिए, ब्लैक पियानो फिनिश में बरकरार है, और यहाँ से हॉर्न ऑडिबल रहे इसलिए यहाँ से ओपन छोड़ी गई है। अब ये क्या है, जो ये कलर है ना, इसके लिए ब्लैक यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैचिंग हो रहा है। जो ये ह्यूमैनिटी लाइन है ना, ये भी पियानो ब्लैक में कर दी गई है। हालांकि बेस वेरिएंट में भी पियानो ब्लैक में आती है, लेकिन अगर यहाँ क्रोम कर दी होती तो वो इतना अच्छा नहीं उभर के आता जितना इसमें लग रहा है। तो ये है गाड़ी की फ्रंट लुक। अभी हम इसकी एक बार साइड प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेन जो चेंज है वो साइड में ही देखने को मिलने वाला है आपको। वैसे तो मैंने आप लोगों को डायमेंशन बताई हुई है मेरी पुरानी वीडियोज़ में, फिर भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। 3.9 मीटर गाड़ी की लेंथ है, 1.6 मीटर हाइट है, 1.7 मीटर चौड़ाई है गाड़ी की, 2445 mm का व्हील बेस आता है, और 187 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलती है आपको टाटा पंच में। उसके बाद सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको 195/60 R16 टायर तो 16 इंची का ही है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको जेड ब्लैक कलर में अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। नॉर्मल क्रिएटिव वेरिएंट में क्या है, थोड़ा सा ये सिल्वर पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा क्या डार्क ब्लैक कर दिया, काफ़ी शानदार लग रहा है ये टायर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम फेंडर की बात कर लें, तो 1 हॉर्न राइनो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि काजीरंगा एडिशन की मेन निशानी जो रहने वाली है। ये ड्राइवर साइड भी है और पैसेंजर साइड भी है। अब ये क्या है ना, टाटा IPL में अपनी किसी भी एक गाड़ी को ऑक्शन करेगी, पंच को, हैरियर को, सफारी को, और जो भी इसका नेक्सॉन में आया है काजीरंगा एडिशन, तो उससे जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो 1 हॉर्न राइनो जितने भी हैं काजीरंगा में, असम में जो पड़ता है, वहाँ पे उनकी देखभाल के लिए लगाया जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ORVM की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश में ORVM देखने को मिल जाएंगे। ये ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ भी आते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी हैं। LED टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या, जो ये राइनो बना हुआ है, ये सैटिन ब्लैक या फिर रफ ब्लैक कलर में कह सकते हो। ए पिलर भी रफ ब्लैक कलर में है, बी पिलर भी रफ ब्लैक कलर में, और सी पिलर भी रफ ब्लैक कलर में है, लेकिन जो रूफ है वो पियानो ब्लैक फिनिश में है, और जो रूफ रेल्स हैं वो क्या है, वो भी सैटिन ब्लैक कलर में है। हालांकि रूफ रेल्स जो हैं वो आपको क्रिएटिव वेरिएंट से ही देखने को मिलती हैं। तो ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। अभी हम एक बार इसकी बैक प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टॉप से स्टार्ट कर लें, तो आप लोग देख सकते हैं माइक्रो रूफ एंटीना है, ब्लैक पियानो फिनिश में यहाँ पे आपको रियर स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, डी फोगर और रियर वाइपर जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ क्रिएटिव वेरिएंट में आपको देखने को मिलते हैं, और ये LED टेल लैंप्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टाटा की बैजिंग, पंच की बैजिंग, पंच ये सैटिन ब्लैक कलर में लिखा हुआ ना, बहुत शानदार लग रहा है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे, 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं यहाँ पे, और दोनों तरफ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार बूट को ओपन करके देख लेते हैं। बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच प्रोवाइडेड है, नंबर प्लेट के लैंप्स यहाँ पे दिए गए हैं, और ये पूरा कवर किया गया, कोई भी वायरिंग वगैरह नहीं दिख रही। उसको बंद करने के लिए भी यहाँ पे हैंडल प्रोवाइडेड है। पार्सल ट्रे और पंक्चर किट क्या है, मिलती है आपको, लेकिन अभी इसमें नहीं लगी हुई है, आप बाद में लगवा सकते हो गाड़ी में लेके बिना पैसे दिए हुए। 100:100 का स्प्लिट रेशो देखने को मिलता है यहाँ पे। लगेज लैंप भी प्रोवाइडेड है। बूट स्पेस आप लोग चेक कर लीजिए, 319 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। स्पेयर व्हील की अगर हम बात कर लें, तो 185/70 R15 एक इंच छोटा स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, और ये स्टील व्हील आता है। ठीक है, तो ये है गाड़ी का बूट। अभी हम एक बार इसका रियर कंफर्ट चेक कर लेते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो फ्यूल टैंक है गाड़ी में वो 37 लीटर्स का मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डोर से स्टार्ट कर लें, तो आप लोग देख सकते हैं क्रिएटिव में वैसे क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन सा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा ब्लैक कर दिया, रफ ब्लैक कलर है ये, और ये चीज़ भी क्या है, डोर हैंडल जो है वो सिल्वर कलर के आते थे, ये भी पूरा ब्लैक कर दिया, काफ़ी शानदार लग रहे हैं। अब ये वाइट तो क्या मेला हो जाता है, लेकिन ये बहुत सही किया। बोटल होल्डर है यहाँ पे, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे है, ये सिर्फ जगह दी हुई है ट्विटर की, ट्विटर आता नहीं है इसमें। और एक बार यहाँ पे आप सिटिंग पैटर्न चेक कर लीजिए भाई। ठीक है, दोनों के दोनों हेडरेस्ट यहाँ पे आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। क्रिएटिव वेरिएंट में ही आपको सिर्फ सेंटर आर्म रेस्ट मिलता है, और वो यहाँ पे बरकरार है। सीट्स चेक कर लीजिए, ब्लैक एंड ब्राउन सा कलर कर दिया, और ये लेदरेट सीट हो गई है, ये परफोरेटेड भी हैं भाई, तो लुक काफ़ी प्रीमियम लग रहा है अब गाड़ी का। तो गाइस, आ गया हूँ मैं गाड़ी के अंदर, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, ये जो दोनों सीट्स हैं मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड हैं। अपनी हाइट 5'7" है, तो आप एक बार यहाँ पे लेग रूम नी रूम चेक कीजिए भाई। व्हील बेस ही इतना बड़ा है 2445 mm का, तो ऑब्वियसली स्पेस तो अच्छा होना ही है।
अंडर थाई स्पोर्ट चेक कर लीजिए, प्रॉपर अंडर थाई स्पोर्ट है। और यहाँ पे मेरा हेडरूम भी आप लोग चेक कर सकते हैं, प्रॉपर हेडरूम है यार, हेडरूम में भी कोई कमी नहीं है। मेरे को लगता है कि 5 फुट 10 इंच तक का बंदा आराम से बैठ के जा सकता है इसमें। पीछे से डैशबोर्ड का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का है। 2 एयरबैग आते हैं गाड़ी में, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड। और यहाँ पे अगर हम ग्रैब हैंडल्स की बात कर लें तो क्लैप्सिबल ग्रैब हैंडल आपको 3 साइड मिलने वाले हैं, ड्राइवर साइड नहीं देखने को मिलेगा। और पीछे की दोनों साइड आपको यहाँ पे कोट हुक्स भी देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो आपने काजीरंगा एडिशन वाली गाड़ियों में देखा होगा, जो यहाँ पे पूरा वो बैग लगा होता है और यहाँ पे एक बोतल लगी होती है, तो वो क्या पूरा एक्सेसरीज़ का पार्ट है। और एक चीज़ और देखी होगी आपने, जो यहाँ पे स्कफ प्लेट्स लगी होती हैं आके काजीरंगा एडिशन की, तो वो भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ठीक है। तो वो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा दे के ही लगवाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चाबी की बात कर लें तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन, फॉलो मी हेडलैम्प का ऑप्शन और बूट को ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हो तो जो ORVMs हैं वो ऑटोमेटिक फोल्ड या अनफोल्ड हो जाएंगे। और सेम चीज़ यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंसर से भी कर सकते हो। तो एक बार गाड़ी के अंदर जाके देख लेते हैं कि आगे क्या क्या फीचर्स हैं या क्या चेंज हुआ है। मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ एक बार यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर की बात कर लें तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता था, तो वो अभी यहाँ पे फुल ब्लैक कर दिए। ये बढ़िया चीज़ है यार, मैला नहीं होगा अब, ठीक है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल और ये वन टच डाउन वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये वन टच अप या फिर एंटी पिंच वाला वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर में डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा। ट्विटर की प्लेसमेंट है यहाँ पे, स्पीकर की प्लेसमेंट है यहाँ पे, बॉटल होल्डर है, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे, और एक अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ड्राइवर साइड सीट की बात कर लें तो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा। एक बार पैटर्न चेक कर लीजिए आप, पीछे तो पन्नी चढ़ी हुई थी तो अच्छे से नहीं देख पाए होंगे। ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन है, ये अर्थी बेज कलर इन्होंने बोला है। ये यार क्या है ना, थोड़ा सा प्रीमियम मेरे को कम लगा, थोड़ा सा अगर और वाइटिश सा होता ना ये तो और मज़ा आ जाता है। ये क्या खाकी सा कलर है। और आगे के भी हेडरेस्ट जो हैं वो आपको एडजस्टेबल ही देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको अगर दिख पा रहा हो तो यहाँ पे भी राइनो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो प्रॉपर डेड पेडल एक यहाँ पे देखने को मिलने वाला है आपको, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है, फॉग लैंप्स ऑन करने हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे है, इको मोड और सिटी मोड करना हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। एसी वेंट्स चेक कर लीजिए। पंच के क्रिएटिव वेरिएंट में ना ये क्या चेंज होता रहता है, किसी में ब्लू आता है, किसी में सिल्वर आता है, इसमें आपको ये ब्लैक पियानो फिनिश में दिया गया है। तो चलिए अंदर बैठ के देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गाइस आ गया हूँ मैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ना 3-4 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ जो सिर्फ आपको क्रिएटिव वेरिएंट में ही देखने को मिलती हैं पंच की। सबसे पहले तो ये लेदर रैप स्टीयरिंग, लेदर रैप ये गियर नॉब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, कोल्ड ग्लव बॉक्स, ओके, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ये सारे ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्टीयरिंग से स्टार्ट कर लें तो आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल और राइट साइड यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन, वॉइस कमांड, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट सबका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो टिल्ट ऑप्शन के साथ सिर्फ गाड़ी आती है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं देखने को मिलेगा। एक बार यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक कर लीजिए, राइट साइड आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड यहाँ पे आपको पूरा ये टैकोमीटर और पूरी ये डिजिटल स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हम देख लेते हैं। अभी क्या गाड़ी सिटी मोड पे लगी हुई है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड आ गया, सिटी ड्राइव मोड, बस दो ही मोड इसमें, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। उसके बाद यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो लाइक दिस। अभी डिस्टेंस टू एम्प्टी आ रहा है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आ रही है, ओके, यहाँ पे आ रहा है इसने माइलेज कितनी दी ट्रिप ए पे, ठीक है। उसके बाद ट्रिप बी पे कितनी माइलेज मिल रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। पावर टॉर्क वाला ऑप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नीचे यहाँ पे आपको ऑडोमीटर देखने को मिल जाएगा, कूल हॉट का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ऊपर आउटसाइड टेम्परेचर आ रहा है और टाइमिंग आ रही है, टाइमिंग अभी रॉन्ग है, गलत है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं साउंड सिस्टम की बात कर लूँ तो हरमन का आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर साउंड सिस्टम यहाँ पे 7 इंच वाला देखने को मिल जाता है। चारों स्पीकर तो विंडोज़ में है और एक ट्विटर वहाँ ए पिलर पे और एक ट्विटर इस वाले ए पिलर पे है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा करंट ट्रिप, पूरी एफिशिएंसी, ड्राइविंग सेफ्टी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको देखने को मिलने वाला है इसमें। और वर्ड 3 वर्ड्स जो कि इसका नेविगेशन सिस्टम है, काफ़ी कमाल का फीचर है वो भी, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं है, वही सारी सेम चीज़ें हैं जो कि आपको पंच में मिलती थी, इसमें अलग कुछ नहीं है। पार्क असिस्ट जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो इसका कैमरा ओपन हो जाता है और ये डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ आपको देखने को मिलने वाला है,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड की बात कर लूँ ना, तो आप लोग चेक कीजिए, ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन, ये वही कलर है जो यहाँ पे दिया गया है, सीट्स के साथ मैच किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ट्राई एरोमोटिव यहाँ पे भी बना हुआ है, अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिया गया है और ये 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पे। हल्का फुल्का स्पेस यहाँ पे है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला ऑप्शन है, ये तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक भी आता है। ऑटोमेटिक वाले में क्या होता है कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है उसमें, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो कूल्ड ग्लव बॉक्स है और इसमें आपको लैंप भी देखने को मिलने वाला है। आर्मरेस्ट कोई नहीं आता इसमें। हैंड ब्रेक की पोजीशन यहाँ पे, 12 वोल्ट का सॉकेट इसमें यहाँ पे भी दिया गया है, तो दो 12 वोल्ट के सॉकेट हो गए हैं। ऊपर की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो लेफ्ट साइड आपको वैनिटी देखने को मिल जाएगी, राइट साइड कोई वैनिटी नहीं है, लेकिन टिकट होल्डर जरूर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे लैंप एक ही प्रोवाइडेड है यार गाड़ी में, ठीक है। मतलब पीछे भी कोई लैंप नहीं और आगे भी बहुत छोटा सा लैंप दिया गया है। माइक की प्लेसमेंट यहाँ पे है। ऑटोमेटिक IRVM वाला ऑप्शन गाड़ी में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ मैनुअल IRVM ही यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर। अभी हम इसका एक बार इंजन भी चेक कर लेते हैं। तो ये है गाइस गाड़ी का इंजन बे, आप लोग चेक कर सकते हैं। इंसुलेशन पंच में आपको देखने को मिलती होती है, इंजन आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन आता है जो कि 86 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करूँ ना, तो काजीरंगा एडिशन क्या है, मान लो जो नॉर्मल क्रिएटिव वेरिएंट आता है, अगर उसकी एक्स शोरूम जो है वो है 8,38,000, इसकी जो एक्स शोरूम है ना वो 20,000 और महंगी हो गई है, मतलब 8,58,000 हो गई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ ना यहाँ पे, तो जो ये कलर है ना भाई, इस कलर को देखते हुए 20,000 रुपये डेफिनेटली देने को रेडी हो जाऊँगा, क्योंकि भाई बहुत शानदार कलर है। वीडियो में आप लोगों को चाहे ये अच्छा ना लग रहा हो सकता है कलर का जस्टिस ना हो रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप इस कलर को देखते हो ना तो मजा ही आ जाता है यार गाड़ी को देखते, ठीक है। और अगर एसी में मैं ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करूं तो नॉर्मल क्रिएटिव है जैसे कि 898 का आता है, तो ये आपको पड़ेगा 918 का एक शोरूम। मतलब क्रिएटिव मैनुअल अगर आप काजीरंगा ले रहे हो तो वो पड़ेगा आपको 1,00,000 में, और अगर क्रिएटिव ऑटोमेटिक काजीरंगा ले रहे हो तो वो आपको पड़ जाएगा 1060 के आसपास। अब एक चीज और क्या है ना कि यार ये भी गाड़ी ना काजीरंगा एडिशन भी महंगी होने के बावजूद भी ये धड़ाधड़ बिक रही है। ऐसा नहीं है कि लोग महंगी होने की वजह से इसको छोड़ रहे हैं, मतलब पंच में कुछ भी मिल जाए भाई सब लेने के लिए रेडी है जनता, ठीक है। तो ये है ओवरऑल टाटा पंच काजीरंगा एडिशन का रिव्यू। कैसा लगा आप लोगों को ये एडिशन और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारी और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए वैगन टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।